न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें न्याय जो नया राज्य मिला है और शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है और 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है और जिससे कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का समग्र विकास किया जा सके। आज हमारे राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और यह भी संकल्प लेता हूं कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड से ही सुभाष गौड़ जुड़ चुके हैं। सुभाष, स्थापना दिवस पर शहीद स्थल पर सीएम पहुंचे हैं, क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, उत्तराखंड अब ये कहा जा सकता है कि युवा अवस्था में आ गया है। आज उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह से ही कई अलग अलग कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की शहीद स्थल राजधानी देहरादून के, जहां वो पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर शहीदों को नमन भी किया। इसके साथ ही उत्तराखंड को बेहतर राज्य बनाने की एक संकल्प भी वो लेते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि आगामी समय में तमाम वो चीजें की जाएंगी जो इस राज्य को बनाने के लिए की गई थी और एक अलग सा राज्य जब मांगा गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके, तो उस राज्य को बनाने के पीछे जो जो योजनाएं थी उन योजनाओं को सरकार जरूर पूरा करेगी। जी जी, जैसे कि बताया जा रहा है सीएम धामी के साथ वहां पर कई और लोग भी मौजूद थे और इसके साथ ही बधाई भी दी गई है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि ना केवल मुख्यमंत्री बल्कि उत्तराखंड के सभी अलग अलग जिलों में, कस्बों में और ब्लॉकों में आज राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री सबसे पहले शहीद स्थल पहुंचे, उन्होंने शहीद स्थल में शहीदों को नमन किया, उसके बाद वो अपने भाजपा कार्यालय में पहुंचे। जैसे ही भाजपा कार्यालय पहुंचे, वहां एक पुस्तिका का विमोचन उन्होंने किया और जिस तरीके से कहा जा सकता है कि कार्यक्रमों का दौर लगातार जारी था, उसके बाद जो महत्वपूर्ण मुख्य कार्यक्रम राजधानी देहरादून के परेड मैदान में होता है वहां मुख्यमंत्री पहुंचे और साथ ही उन्होंने आंदोलनकारियों को जो पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की गई है, यानी कि जो आंदोलनकारी थे जिन्होंने इस आंदोलन में भागीदारी ली थी, उन सभी लोगों को जो उत्तराखंड की पुस्तिका है उनमें पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल करने की बात मुख्यमंत्री ने की। और साथ ही बड़ी बात मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश को विकसित करने के लिए और जो योजनाएं आंदोलन करके उत्तराखंड को अलग बनाने के लिए कहा गया था, उस योजना के तहत सरकार काम करती हुई नजर आएगी। और ये महत्वपूर्ण चीज है कि अब इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण पहुंचे हैं और गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी सुभाष, जिस तरह से बताया जा रहा है कि तैयारियां भी तेज रही हैं सीएम के आने से पहले, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहे? सुभाष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है। जी सुभाष, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे और तैयारियां क्या क्या रही थी, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है सीएम के आने के बाद? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बेहतर तैयारियां पूरी तरीके से की गई थी और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हर बार बड़ी महत्वपूर्ण तैयारियां की जाती हैं। मुख्यमंत्री आवास को पूरी तरीके से सजाया गया था, विधानसभा भवन को पूरी तरीके से सजाया गया था, राजभवन को सजाया गया था, तमाम जो क्षेत्र हैं जो
स्थान है, सरकारी भवन है, सभी को जगमग रोशनी के साथ सजाया गया था। और या इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां मुस्तैदी के साथ की गई थी। जी जी सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्य स्थापना दिवस पर लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस राज्य भर के एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर लगी है और प्रदर्शनी राज्य के उन 22 सालों का संघर्ष और राज्य के लिए लड़े गए आंदोलन को दर्शाते हैं, जिसमें किस प्रकार से राज्य के शहीदों ने, राज्य के माता बहनों ने राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था और राज्य प्राप्ति के बाद से किस प्रकार से सरकार ने विकास के लिए काम किया था। और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है, उन शहीदों को भी नमन किया है जिन्होंने एक अलग राज्य बनाने के लिए अपनी शहादत दी। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को और उत्तराखंड से बाहर जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई हैं, भाई बहन हैं, उन सभी को राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में आज बहुत ही, चूंकि एक पर्व के रूप में राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से ठीक 22 वर्ष पूर्व इस राज्य की स्थापना की थी। उनके कालखंड में ही राज्य बना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को आगे ले जा सकती है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले देश के सभी अपने प्रदेश के नागरिकों को बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आज हम सबके लिए उत्साह का दिन है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य दिया, मोदी संवार रहे हैं। इस भाव को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे 252 मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी और शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम है। आज कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। प्रदेश भर में आज धूमधाम से देश के 27वें राज्य उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर मंगलोर सहित तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और साथ ही आज 11 बजे देवभूमि परमेश द्वार पे ही नारसन बॉर्डर से मंगलोर होते हुए रुड़की और इसके साथ ही नंडोरा तक विशाल तिरंगा रैली भी निकाली गई है। और इसी खबर पर मंगलोर संवाददाता अकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील, धूमधाम से स्थापना दिवस की धूम देखने को मिल रही है, इसके साथ ही अब तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है, फिलहाल क्या अपडेट है यहाँ की? जी देखिए, 9 नवंबर को जो स्थापना दिवस उत्तराखंड का मनाया जा रहा है। बात करें मंगलोर या आसपास के क्षेत्रों की, तो आसपास के क्षेत्रों में भी कई प्रोग्राम रखे गए हैं स्थापना दिवस के। किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस, अपने अपने अलग प्रोग्राम रख रखे। स्थापना दिवस जो है उत्तराखंड का बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं आपको पता करना चाहूंगा, वो जो खानपुर विधानसभा का जो विधायक है उमेश कुमार, वो एक तिरंगा यात्रा जन समर्थन रैली निकाल रहे हैं 9 नवंबर को। ये उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन से शुरू होकर मंगलोर होते हुए लंढोरा तक जाएगी और वहाँ एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। जी अखिल, इस रैली में लगभग कितने लोग शामिल हुए? जी इस रैली में, जैसे ये 10:30 बजे से ये रैली का प्रोग्राम था, उत्तराखंड के जो बॉर्डर है नारसन बॉर्डर, वहां से ये शुरुआत होगी। तिरंगा जो रैली है इसका नाम दिया गया है और काफी संख्या में, हजारों की तादाद में जो उनके समर्थक हैं या फिर क्षेत्र के वासी हैं, वो उसमें भाग ले रहे हैं और काफी बढ़ चढ़ कर इस रैली में भाग रहे हैं। और एक विशाल जनसभा आयोजित होनी है जो की लंढोरा के ग्राउंड में होगी। जी अखिल, स्थापना दिवस पर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना होती है और उत्तराखंड बनाने में जो उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनको भी काफी याद किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा,
उन्नासन बॉर्डर से आज ही रामपुर चौराहे कांड हुआ था जो अक्टूबर 1994 में, तो काफी संख्या में जो आंदोलनकारी थे वहाँ मतलब शहीद कर दिए गए थे। तो काफी है हर हर 2 अक्टूबर को जो है सीएम साहब और कई वरिष्ठ नेता वहाँ जाते हैं। बात करें उत्तराखंड स्थापना दिवस के, उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर सभी जो स्थानीय निवासी हैं सभी में उत्साह का माहौल है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी अखिल, सीएम धामी ने भी श्रद्धांजलि दी है, इसको लेकर लोगों में कितना उत्साह है? और ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो वहाँ पर भी स्थापना दिवस को लेकर धूम देखने को मिल रही है। जी बात करें सीएम धामी साहब की, तो उन्होंने भी शुभकामनाएं दी है और मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि 2 अक्टूबर को सीएम धामी जो है रामपुर चौराहे पर आए थे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बात करें भाजपा की, तो भाजपा के भी आज मंगलोर क्षेत्र में कई प्रोग्राम है स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं और कई अन्य पार्टी भी स्थापना दिवस बड़े उत्साह से मना रहे हैं। जी अखिल, और इस तिरंगा यात्रा में सुरक्षा के क्या इंतजाम रहे हैं? देखिए परमिशन ले ली गई थी कानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा, काफी तादाद में उनके समर्थक हैं। और बात करें सुरक्षा को लेकर, तो जो सुरक्षा है हाईवे से होगी यात्रा जाएगी, तो हाईवे पे जो है पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की सुविधा का सामना ना करना पड़े, उससे पहले उसको डाइवर्ट रूट को कर दिया गया था। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो काफी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी को परेशानी या कोई अपने घटना ना हो। अखिल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी अपडेट साझा करने के लिए। तो पौड़ी जिले के ही चोबट्टा खाल विधानसभा विधायक और प्रदेश के ही पर्यटन लोक निर्माण संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 9 नवंबर 2000 को भारत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सालों से चली आ रही पृथक राज्य की मांग को जनभावना के अनुरूप पूर्ण किया गया और उसके पश्चात प्रदेश को सवारदी और विकसित करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। और श्री महाराज ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास का जो भी काम हुआ है वो इस बात का प्रमाण है कि पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। नमस्कार। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को सादर नमन करते हुए मैं समस्त प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 9 नवंबर 2000 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वर्षों से चली आ रही पृथक राज्य की मांग को जनभावनाओं के अनुरूप पूर्ण किया गया। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड को संवारने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। उत्तराखंड में विकास का जो भी काम हुआ है वह इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। मेरी यही कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहे। जय भारत, जय उत्तराखंड। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के पहली बार पौड़ी आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान प्रभारी मंत्री ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर जनपद मुख्यालय में उनके द्वारा कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाएगा और बताया कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अपने 10 साल की समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों से प्रदूषण रोकने के लिए या तो उन्हें सड़क से हटाया जाएगा नहीं तो उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन अथवा CNG में ही परिवर्तित किया जाएगा। कहा कि जनपद मुख्यालयों को जोड़ते हुए प्रदेश में CNG और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग के साथ ही स्टेशन लगाए जाएंगे और कहा कि धीरे धीरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए NGT के मानकों और जनता की सहूलियत अनुसार प्रदेश में नियमों को लागू किया जाएगा। उनको भी दिल की गहराई से उनका
स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि अपना कार्यकाल सुचारू रूप से हमारी पार्टी हित में करेंगे और हम लोगों का सहयोग उनको रहेगा। हम सब साथ खड़े हैं। और इसी खबर पर पौड़ी से संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास पौड़ी पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के प्रभारी चंदन दास आज पौड़ी जिले में 2 दिवसीय दौरे पे हैं। और आज यहीं पे मैं बताऊँ आपको, जो यहाँ पे आज शहीद जो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित करना था, लेकिन कहीं जगह यहाँ पे नाराजगी भी देखने को मिली। और वही बात करे तो आज यहाँ पे राज्य आंदोलनकारियों ने अपना सम्मान लेने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि उनका यही कहना है राज्य आंदोलनकारियों का कि हम जिस लिए राज्य आंदोलन बना गया था, और खास करके उनका यही कहना है कि पौड़ी की जो राज्य आंदोलनकारी है उनका विरोध इसलिए है। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने लगातार अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, और वही उन्होंने कहा यहाँ पे पीएम जो यहाँ की जो रोड़े हैं, तमाम जो भी चीज रोड़े हैं उनको बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, अधिकारी को सख्त निर्देश दे दिया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 10 साल से ऊपर जो गाड़ियां जो ट्रैवल्स है उनको रोका जाएगा, जिस उनका प्रदूषण से मुक्त हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से प्रभारी मंत्री और साथ ही साथ उनके क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी भी यहाँ पे मौजूद है, शांति देवी जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद, और तमाम नए जो नए अधिकारी जो बने हैं उनको जिला अधिकारी आशीष चौहान वो भी मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो सबसे मुख्य उद्देश्य है तो उनका यही कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों को जिस तरह से यहाँ पे राज्य बना है उस तरह तरीके से उनको सम्मानित नहीं मिल पाता, जिस कारण से आज यहाँ पे विरोध जो देखना पड़ा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अब तमाम अधिकारियों को प्रदेश के भाजपा सरकार, उनका राज मंत्री जी का कहना है कि भाजपा सरकार ने सरकार विकास किया है, लेकिन वही बात करें तो कई लोग अभी ये कहते हैं कि पौड़ी का बस अड्डा, जो कि पौड़ी का बस अड्डा अभी तक नहीं बन पाया है, इसके लिए उनको कहना है कि पौड़ी के बस अड्डे पर राजनीति किया जाती है। लेकिन वर्तमान के जो प्रभारी मंत्री है उनसे अनुरोध है कि पौड़ी के बस अड्डे को आप तत्काल पूरी तरह से किया जाए, ताकि जो यहाँ पे जो लोगों को बस, सबसे गढ़वाल मंडल का अगर यहाँ पे एक डिपो नहीं है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसमें मंत्री जी ने भी साथ कहा और कहा उनको ये क्षेत्र में लगातार जिस तरह की जो ट्रैवल जो रूलों में गटावट जो आ रही है, ये जो अच्छा की खबर जो आ रही है। मंत्री ने ये भी कहा है कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या पहल की गई है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, उनको प्रभारी मंत्री ने यही कहा है कि प्रदेश को प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा। उनका कहना है कि जैसे देखा होगा आपने 600 से ज्यादा बसें, उन्होंने जो कहा है कि मैंने घोषणा कर चुका हूं। और साथ ही साथ मेरा यह भी अनुरोध रहेगा, प्रभारी मंत्री का यही कहना है कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र जो है कि यहाँ पे जो बसों की जो कमी है उसे दूर किया जाएगा, और जो पुरानी बसें हैं उनको हटा दिया जाएगा, ताकि जो दुर्घटना होती है उससे काफी रियायत मिल सके। और साथ ही साथ यहाँ पे अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली है कि ताकि जो भी दुर्घटना होती है, जो तमाम ऐसी जगह होती है, उन पर कंट्रोल लग पाए, ताकि जो एक्सीडेंट दुर्घटना ना हो पाए। जी भगवान सिंह, उन्होंने ये भी कह दिया है, मंत्री ने ये भी कहा है कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अपनी 10 साल की जो समय सीमा पूरी कर चुके वाहन है उनको हटा दिया जाएगा, या फिर अलग से इसके लिए कोई और ऑप्शन रखा गया है। बिल्कुल, उनका यही कहना है कि 10 साल से ज्यादा जो गाड़ियां हो गई है उनको हटा दिया जाएगा, उनका इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। और इसमें शायद तो लगता है कि मंत्री जी अब अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं, उसमें संज्ञान लेंगे कि जो गाड़ियां जो पौड़ी जिले में तमाम जो उत्तराखंड में जहां पे 10 साल से ऊपर है उनको तत्काल हटाया जाए, उनका स्थिति क्या है, और जो ज्यादा खराब गाड़ियां हैं, क्योंकि दुर्घटना और जो प्रदूषण की जब बात करें तो इस तरह से देखा जाए, वही बात करें तो यहाँ पे इस तरह की जो खबर आ रही है कि मंत्री जी कुछ बड़ा घोषणा कर सकते हैं पौड़ी जिले के लिए। और हालांकि उन्होंने यही कहा है कि पौड़ी जिले को कुछ एक मेरे को सौभाग्य है कि मैं पौड़ी जिले का प्रभारी बना हूं, क्योंकि मैं यहाँ की बोलिया आज मीडिया के द्वारा से और तमाम स्थानीय बुद्धिजीवी के लोगों के द्वारा से मैंने देखा है, और मेरे उद्देश्य यही होगा कि प्रभारी मंत्री बनने के नाते से मैं यहाँ पे पौड़ी का जो विकास होगा उसे धरातल पर लेके आऊंगा। जी भगवान सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में पुलिस ने जारी किए गए मे आई हेल्प यू के कार्ड जारी किए हैं, और डायरेक्ट अधिकारियों के संपर्क करने के लिए ही जारी किए गए कार्ड विजिटिंग कार्ड में ही अधिकारियों के संपर्क से लेकर ही यूपी पुलिस की ओर से संचालित सभी हेल्पलाइन की जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया पर नेटवर्किंग से लेकर तमाम पुलिस महकमे से जुड़े हुए सभी हेल्पलाइन की जानकारी लोगों से साझा की जा रही है। वहीं डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर ने कहा है कि ये प्रोग्राम अभी
सप्ताह पूर्व शुरू किया गया है और ये नंबर्स दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में भी ये नंबर दिए गए हैं। जैसे कोई फरियादी कहता है कि हमारा प्रार्थना पत्र कहीं रुक गया है और जानकारी करने के उपरांत भी उसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो ऐसे फरियादियों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा ये हेल्पलाइन नंबर और वो खुद नंबर डायल कर कर अपनी परेशानी का निवारण कर सकते हैं। ये सारी जो जानकारी है वो दी गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जशनकारी DIG मुरादाबाद ने खुद ये जानकारी दी। बेसिकली ये जो हम लोग के विजिटिंग कार्ड होते हैं, पूर्व में भी ये हम लोग के द्वारा जो महिला बीट अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रयास किया गया था रेंज के अंदर कि मे आई हेल्प यू कार्ड दिए जाएँ। इसी परिप्रेक्ष्य में जो रेंज ऑफिस के ऊपर काफ़ी जो कंप्लेनेंट्स आते हैं जिनको कुछ शिकायत रहती है या हमें अपनी रीच बढ़ाने के लिए, पुलिस की जो रीच बढ़ाने के लिए, उनको हमने कार्ड्स देना चालू किया है। इन कार्ड में आप देखेंगे तो जो रेंज ऑफिस के सारे इंपॉर्टेंट नंबर हैं इंक्लूडिंग जो PRO हैं, इसके अलावा हमारी जो UP पुलिस है वो जहाँ जहाँ के ऊपर भी सोशल नेटवर्किंग के ऊपर है या हम लोगों के हेल्पलाइंस हैं, चाहे वो 112 की सर्विस हो, वुमेन हेल्पलाइन हो, चाइल्ड हेल्पलाइन हो, या इस ऑफिस की ट्विटर ID हो, फेसबुक ID हो, फायर सर्विस है, एम्बुलेंस सर्विस है, महिला हेल्पलाइन है, साइबर हेल्पलाइन है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं ये सब दिए गए हैं और दोनों भाषा के अंदर, इंग्लिश और हिंदी के अंदर हैं, ताकि हर जना इस चीज़ को समझ पाए और आकस्मिकता की स्थिति में जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं या ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको और बेहतर तरीके से रीच किया जा सके और पुलिस का जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोग और बेहतर कर सकें। इसी खबर पर मुरादाबाद से संवाददाता अनिल कुमार सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार, पुलिस ने जारी कर दिया हेल्पलाइन, इसमें पूरा विस्तार से बताइए यह हेल्पलाइन किस तरह से काम करेगी और लोगों को इससे किस तरह से मदद मिलेगी। देखिए मैं आपको बता दूं, जो हेल्पलाइन जारी की गई है, जैसे कि कई लोगों की शिकायत होती है कि थानों में किसी की सुनवाई नहीं होती, फाइलें पेंडिंग पड़ी होती है, इसी को लेकर DIG द्वारा मे आई हेल्प यू इसका जो है वो किया गया है। इसमें लोगों को किस तरह से मदद मिलेगी, लोग कैसे संपर्क कर पाएंगे और नंबर जो दिए गए हैं वो नंबर लगते भी है, ये ट्राई किया गया है लोगों ने? जी 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 बिल्कुल, नंबर लगते हैं और इसमें विजिटिंग कार्ड पूरी तरह छपवाए गए हैं और जैसे किसी की भी शिकायत होगी उसको तुरंत जो है पुलिस को संज्ञान देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल। हरदोई में सरकारी धान खरीद प्रक्रिया पर ही किसान नेताओं ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकारी केंद्र बेहाल है और मंडी गुलजार हो रही है और किसान नेताओं का आरोप है कि केंद्र पर मनमानी के कारण ही किसान परेशान है, इसलिए मंडी का जो रुख है किए गए हैं और इसके साथ ही मंडी गुलजार है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जबकि केंद्र सन्नाटे में है और कागजों पर सब चाक चौबंद है। धान खरीद को लेकर शासन के निर्देश के बाद सितंबर में भी जिले में तैयारियां जो है शुरू हो गई थी और खरीद केंद्रों का निर्धारण हो गया था और खरीद संस्थानों को जिम्मेदारियाँ देकर लक्ष्य आवंटित कर दिया गया था और निर्धारित समय पर खरीदारी शुरू हो गई थी। तमाम झंझटों के बीच ही किसान को अपना धान क्रय केंद्रों की अपेक्षा मंडियों में बेचना अधिक सहूलियत भरा लग रहा है, जिसके चलते न सिर्फ मंडियों में बड़ी मात्रा में धान खरीद हो रही है बल्कि केंद्रों पर फिलहाल वो रौनक नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। मंडी में किसान धान को नगद मूल्य पर बेचने के लिए ले जा रहा है और उसे पंजीकरण और ऑनलाइन भुगतान के झंझट से भी मुक्ति मिल रही है और ई पास मशीन पर अंगूठा भी नहीं लगाना पड़ रहा, लिहाजा केंद्र सूने पड़े हैं और गल्ला मंडी आबाद है। धान खरीद कागजों में तो शुरू हो गई है लेकिन हम देख रहे हैं कि मंडी में इतना धान जा रहा है, अगर सरकारी क्रय केंद्र सही से काम करते तो धान को लेकर के मंडी में कोई किसान नहीं जाता। मंडी में किसान को दिक्कत हो रही है, तमाम कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं गौशाला के नाम पर, कहीं किसी मद में, कहीं किसी में ये तसलिया भर ली, दुनिया भर की कटौती कर रहे हैं। और इसी खबर पर हरदोई से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, किसानों की क्या परेशानी है बताना चाहूंगा। ये किसानों का आरोप है
कि हम मंडी में हम धान और ले जाते हैं तो हम लोगों को 1,100 रुपए मिलता है, जबकि अन्य जो है जो बिकता है किसी के माध्यम से तो करीब 2,000 रुपए के आसपास बिकता है। तो जहां तक देखा जाए तो किसानों की बड़ी समस्या है जो धान बेचने में आ रही है किसानों का। जी आशिफ, या इसके लिए प्रशासन कोई काम कर रहा है या वहाँ के लोग जो मौजूद है उनकी और कौन सी समस्याएं हैं यहाँ पर सामने जो आ रही है? नहीं देखिए, प्रशासन का तो हाल यही है कि उनके कागजों पे तो काफी सेंटर चल रहे हैं और खरीद भी हो रही, मगर हकीकत यही है कि सेंटरों पे खरीद ही नहीं हो रही है, जो जैसा कि किसानों ने भी आरोप लगाया है। कोई भी सेंटरों पे खरीद नहीं हो रही, तो चल रहे हैं बैनर तो लगे हैं लेकिन उसमें खरीद नहीं हो रही है। किसान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई तो हो सकता है वो प्रदर्शन करेंगे, तो इसमें कितना सरकार अलर्ट नजर आ रहा है? जी बताना चाहूंगा, कुछ किसान हालांकि गए हैं डीएम के पास और उनको जैसा भी अगर उनकी कोई कार्रवाई होती है तो वो लोग धरना प्रदर्शन के लिए भी जो है आगे की रणनीति अपनी तैयार करेंगे। जी आशिफ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। प्रयागराज के मोहम्मदाबाद गांव में ही एक युवक का बल्दिया गांव की एक युवती से पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने शादी करने का मन भी बना लिया था लेकिन लड़की पक्ष के इस रिश्ते से खुश नहीं थे और वे दूसरी जगह शादी कराना चाहते थे जिसके लिए वो युवती तैयार नहीं थी। ऐसे में उन दोनों ने सैदाबाद में मौजूद निमहरा मंदिर पहुंचे और वहां दोनों ने भगवान को साक्षी मानते हुए एक दूसरे को गले में जयमाला डाल दी और फिर जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प लिया और इस दौरान उनके परिजन भी मंदिर में मौजूद रहे। उन लोगों ने दोनों को आशीर्वाद भी दिया है। प्रेमी प्रेमिका का ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग झुलस गए हैं। आपको बता दें कि ये लोग आलू के खेत में काम कर रहे थे। मौसम खराब होने पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी और वहीं परिजनों ने तीनों लोगों को गंभीर अवस्था में ही आगरा के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। आपको बता दें कि मामला थाना बसई अरेला क्षेत्र के गाँव सुताहरी का है। और इसी खबर पर आगरा से संवाददाता राजकुमार तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि आगरा आकाशीय बिजली गिरने से यहां पर हादसे की खबर सामने आई है। आगरा से खबर है जहां पर खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग झुलस गए हैं और आपको बता दें कि ये लोग आलू के खेत में काम कर रहे थे। मौसम खराब होने पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी और वहीं परिजनों ने तीनों लोगों को गंभीर अवस्था में आगरा के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।